Friends, welcome to your new lesson, which is note making. Friends, note making 11th and 12th class के examinations में 8 marks का पूछा जाता है. Friends, ये topic reading section से पूछा जाता है. Friends, note making के बारे में हम बात करें इससे पहले ये question arise होता है कि what is note making? कि नोट मेकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी लॉन्ग पैराग्राफ से या फिर एक स्टोरी से उसके इररिलेवेंट यानी कि जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर करते हुए और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि उनको हम निकालते हैं और अपनी नोटबुक पे टेक डाउन करते हैं. फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस की जो हमें नोट मेकिंग बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है व्हाइल रीडिंग पैसेज अंडरलाइन की सेंटेंसेस. फ्रेंड्स, पैसेज को पढ़ते समय हमें की सेंटेंसेस आई मीन इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लेना चाहिए. फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है ट्राई टू अवॉइड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आई मीन यूजलेस मटेरियल को आपको अवॉइड करना चाहिए. फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है डोंट यूज कंप्लीट सेंटेंसेस. फ्रेंड्स, नोट मेकिंग में आपको कंप्लीट सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है. यह आपको ग्रामर की टेंशन लेने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और आपके लिए मैटर करता है कि आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं. तो ध्यान रखें नोट मेकिंग बनाते समय कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस यूज ना करें. फोर्थ पॉइंट है गिव एन अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल टाइटल टू द नोट मेकिंग. फ्रेंड्स, आप अपनी नोट मेकिंग को एक मीनिंगफुल टाइटल दीजिए और आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे कि रीडर ये समझ पाए कि आपकी जो नोट मेकिंग है या फिर आपके जो नोट्स हैं वो किस टॉपिक पर बनाए गए हैं. फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. द नोट मेकिंग शुड हैव 3 or 4 मेन हेडिंग्स. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपको अपनी नोट मेकिंग में 3 or 4 मेन हेडिंग्स या मेन पॉइंट्स बनाने होंगे. फ्रेंड्स, उसके बाद जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब हेडिंग और सब सब हेडिंग में सिस्टमैटिकली डिवाइड करनी होगी. मान लीजिए हमारे पास एक पैसेज है और वो पैसेज मेहरा जी की फैमिली पर है. फ्रेंड्स, उस पैसेज के अंदर 3 पैराग्राफ हैं और हमें उस पैसेज पर नोट मेकिंग बनानी है. तो सबसे पहले हमें उस पैसेज का टाइटल देना होगा. तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा पैसेज है वो मिस्टर मेहरा की फैमिली पर है. तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वो मेहरा जी की फैमिली पर वो टॉपिक है तो हम उसका टाइटल मेहरा जी की फैमिली यानी मेहराज फैमिली देंगे जिससे कि हमारे रीडर्स को ये पता चल पाए कि ये पैसेज मिस्टर मेहरा की फैमिली पर बेस्ड है. और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए जिससे कि आपके रीडर को पता चल पाए कि ओवरऑल वो पैसेज किस बारे में बात कर रहा है. फ्रेंड्स, मान लीजिए कि फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मेहरा और उनके बच्चों के बारे में है तो हमें वहाँ से यानी कि मेन हेडिंग लिखनी होगी और मेन हेडिंग में हमें वहाँ पे ये बताना होगा जिससे ये पता चल पाए कि फर्स्ट पैराग्राफ में इस बारे में बात हुई है. और हम अपनी जो मेन हेडिंग है वो किस तरीके से लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ए यानी कि कैपिटल ए ये हमारा हो गया मेन पॉइंट और इसमें हम क्या लिख सकते हैं तो हमारा जो जो हेडिंग होगी वो होगी मेहरा एंड हिज फैमिली. फिर फ्रेंड्स आगे देखते हैं और फिर उनकी फैमिली की आगे की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम सब हेडिंग या सब पॉइंट यूज़ करेंगे. और सब पॉइंट हम किस तरीके से यूज़ करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मेन हेडिंग दी है वो कैपिटल ए में है और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए ये हमारा सब पॉइंट है यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए यानी कि स्मॉल लेटर में ए. यहाँ पे हम ये हमारी सब हेडिंग है और यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल ए और यहाँ पे हम आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा है ए में मिस्टर मेहरा 86 विद हिज 2 सन्स यानी मिस्टर मेहरा जो कि 86 ईयर ओल्ड हैं और क्या उनके 2 बच्चे हैं. फ्रेंड्स, और इसी में आप आगे बताना चाहते हैं तो आप रोमन काउंटिंग में आगे की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे हमने सब पॉइंट लिखा ए में और जहाँ पे लिखा है हमने मिस्टर मेहरा 86 विद हिज 2 सन्स. अब हम इन 2 बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये जो 2 बच्चे हैं वो सब सब पॉइंट में ऐड होंगे. फॉर एग्जांपल देख सकते हैं रोमन काउंटिंग में हमने लिखा है 1 और लिखा है अजय 40 इंग्लिश टीचर यानी कि जो अजय है वो 40 ईयर्स ओल्ड है और वो इंग्लिश टीचर है. नंबर 2 में देखिए यहाँ पे लिखा मुकेश 30 की इंजीनियर है. फ्रेंड्स, अगर आपके पास सब पॉइंट और भी है तो आप उसे बी का नाम दे सकते हैं और आप लिखेंगे उसे स्मॉल लेटर में बी और उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है देयर मैरिड लाइफ
उनकी शादीशुदा जिंदगी, और इसमें आप सब सब पॉइंट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाए हैं। यहाँ पे लिखा है रोमन काउंटिंग में 1, ठीक है, अजयस मैरिज विद सीता इन 2017। फिर दूसरा लिखा है हमने यहाँ पे, सेकंड देखिए, मुकेश मैरिज विद सुमन इन 2009। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है, और सेम थिंग आपको सेकंड पैराग्राफ में भी करनी है और थर्ड पैराग्राफ में भी करनी है। फ्रेंड्स तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ एब्रीवेटेड फॉर्म्स इन योर नोट मेकिंग। फ्रेंड्स जब आप नोट मेकिंग बनाते हैं तो आप एब्रीवेटेड फॉर्म्स यूज़ करना ना भूलें, आपको एब्रीवेटेड फॉर्म्स जरूर यूज़ करनी होंगी, क्योंकि अगर आप अपनी नोट मेकिंग में 4 एब्रीवेटेड फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। एब्रीविएशन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। जो एब्रीविएशन होती है वो किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं, USA हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म है किसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो फ्रेंड्स मैं आगे बताना चाहूँगा कि हम एब्रीवेटेड फॉर्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला जो पार्ट है वो है यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन, नंबर 2 कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन, और तीसरा है हमारा इन्वेंटेड एब्रीविएशन। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन की। यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन वो एब्रीविएशन होती हैं जो पूरे विश्व में जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल USA और VIP, पूरे वर्ल्ड में इन एब्रीविएशन को जाना जाता है। तो वो एब्रीविएशन जो यूनिवर्सली जानी जाती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन। फ्रेंड्स कॉमनली यूज एब्रीविएशन वो होती हैं जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में यूज़ की जाती हैं, जिसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं इन्वेंटेड एब्रीविएशन का। इन्वेंटेड एब्रीविएशन वो फॉर्म्स होती हैं जो स्टूडेंट नोट मेकिंग बनाते समय खुद बनाते हैं। इन्वेंटेड एब्रीविएशन बनाते समय हमें जिस वर्ड की एब्रीविएशन बनानी होती है उसका पहला लेटर और आखिरी लेटर लेते हैं और बीच में ऐसे लेटर लिखते हैं जिससे हम अपनी एब्रीविएशन को बहुत ही आसानी से पहचान पाएं। फ्रेंड्स हमें हमेशा उन वर्ड्स की एब्रीविएशन बनानी चाहिए जो बार बार में रिपीट होते हैं। अब तक जो हमने किया वो थे इंस्ट्रक्शंस, और इसमें मैंने बताया कि आपको नोट मेकिंग बनाते समय किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, क्योंकि जब तक आप कोई एग्जाम्पल नहीं बना लेते तब तक आप नहीं कह सकते कि आपको नोट मेकिंग पे कमांड हो गई है या नोट मेकिंग पे आपकी मास्टरी हो गई है। तो अब हम अपना ये चेक करते हैं कि हमें इनफैक्ट नोट मेकिंग बनानी आई या नहीं आई। इसके लिए हमें एक पैसेज लेना होगा, और फ्रेंड्स ये जो पैसेज मैंने लिया है ये पैसेज जो CBSE का जो सपोर्ट मटेरियल है 12th क्लास का, मैंने वहाँ से लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस पैसेज को पढ़ते हैं। इन 1927 वॉल्ट डिज्नी क्रिएटेड अ कैरेक्टर फॉर यूनिवर्सल स्टूडियोज कॉल्ड ऑस्वाल्ड द लकी रैबिट। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पैसेज है वो ये कहना चाह रहा है कि 1927 के अंदर वॉल्ट डिज्नी ने यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए एक कैरेक्टर क्रिएट किया, और उस कैरेक्टर का नाम था ऑस्वाल्ड द लकी रैबिट। बट आफ्टर अ डिस्प्यूट, लेकिन एक डिस्प्यूट के बाद ही ब्रांच आउट एंड अलॉन्ग विद हिज मोस्ट लॉयल एनिमेटर अब आई वर्क्स हु डिड ऑल द ड्राइंग्स टर्न द रैबिट इनटू अ माउस एंड सजेस्टेड ही बी कॉल्ड मिकी। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि कुछ डिस्प्यूट के बाद वो जो यूनिवर्सल स्टूडियोज है उससे वो अलग हो गए, और जो उनके बहुत ही लॉयल एनिमेटर थे अब आई वर्क्स, जिन्होंने उनकी सारी ड्राइंग्स की, उनकी मदद से उन्होंने क्या किया, एक नया कैरेक्टर बनाया, और जो रैबिट था रैबिट को उन्होंने माउस में तब्दील कर दिया, और फिर उसको मिकी के नाम से बुलाया गया। फ्रेंड्स आगे लिखा है वॉल्ट ग्रू अप ऑन अ फार्म। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वॉल्ट है, वॉल्ट का जो जन्म है और जो उनकी परवरिश है वो फार्म में हुआ, और इसीलिए सो एनिमल्स शोड अप फ्रीक्वेंटली इन हिज वर्क, इसीलिए उनके काम में एनिमल्स ज़्यादा दिखते थे। फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये है, देखिए, द फर्स्ट 2 मिकी माउस शॉर्ट्स प्लेन क्रेजी इट वॉज स्क्रीन टू एन ऑडियंस ऑन May 15, 1928 एंड द गैलोपिन गाशो कुड नॉट फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एट फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखा है 2 मिकी माउस शॉर्ट्स, मीन्स यहाँ पे फिल्म का जिक्र किया गया है, शॉर्ट्स मीन्स फिल्म। तो पहली दो मिकी माउस फिल्म आई, उनमें एक का नाम था प्लेन क्रेजी जो कि 15 May 1928 को ऑडियंस के सामने स्क्रीन हुई, और जो दूसरी थी उसका नाम था गैलोपिन गाशो, और जो गैलोपिन गाशो है उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया। फ्रेंड्स वो मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया पहले। देन डिज्नी इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिकल फिल्म जैज सिंगर अपडेटेड हिज माउस। फ्रेंड्स आगे लिखा है जो डिज्नी है जो कि जैज सिंगर, जो कि म्यूजिकल फिल्म जैज सिंगर से इंस्पायर्ड हुए, और उससे इंस्पायर होने के बाद डिज्नी ने अपने माउस को अपडेट किया
और फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है स्टीम बोट विले हिट द स्क्रीन ऑन नवंबर 18, 1928 विद सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। यहाँ पे लिखा जो स्टीम बोट विले है वो 18 नवंबर 1928 को सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के साथ उसने क्या किया, स्क्रीन को हिट किया। और आगे लिखा कि एवरीबडी लव इट और हर किसी ने इसे पसंद भी किया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पैसेज। तो फ्रेंड्स देखिए हम किस तरीके से अपनी नोट मेकिंग बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो पैराग्राफ्स पढ़े और दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद हमें क्या लगा, आप सोचिए कि हमें सबसे पहले टाइटल लिखना होगा, यानी कि जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं ये किस बारे में थे, यानी कि जो पैसेज है, जो होल पैसेज है किस बारे में है। तो जहाँ तक मुझे लगा ये जो पैसेज है ये मिकी माउस और डिज्नी के वर्क्स पर है, तो हम इसका जो टाइटल है वो देते हैं मिकी माउस एंड डिज्नी। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका टाइटल वो यूनिक और कैची और अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि आपका रीडर ये समझ पाए कि आपका जो पैसेज है वो किस बारे में है। तो मिकी माउस एंड डिज्नी लिखा है तो इससे कोई भी समझ सकता है कि मिकी माउस और उसके क्रिएटर डिज्नी के बारे में है। फ्रेंड्स फिर हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो था इन 1927 से लेके फ्रीक्वेंटली इन हिज वर्क्स। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये किस बारे में बात कर रहा है, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ ये जो पैराग्राफ है ये बात कर रहा है ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट के बारे में। तो हम यहाँ पे अपना मेन पॉइंट बनाते हैं, यानी कि मेन हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए इन कैपिटल लेटर फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमें जो मेन हेडिंग देनी है वो ये है ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट। इससे हमारे रीडर को ये पता चल जाएगा ये मेन हेडिंग ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट के बारे में बात कर रही है। इसके बाद जो हम सब और सब सब पॉइंट्स देंगे वो लकी रैबिट के बारे में होंगे। इसके बाद हम देने वाले हैं सब पॉइंट, और सब पॉइंट में हमने लिखा है डिस्कवरी ऑफ ऑसवर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा है डिस्कवरी ऑफ ऑसवर्ल्ड, और ऑसवर्ल्ड में देखिए OSWD लिखा है। यहाँ पे हमने एक एब्रिविएटेड फॉर्म बनाई है ऑसवर्ल्ड की OSWD, यानी कि ये इन्वेंटेड फॉर्म है, यानी कि हमने क्रिएट की है। और डिस्कवरी ऑफ ऑसवर्ल्ड के बाद हम यहाँ पे नीचे देखिए हमने लिखा रोमन काउंटिंग में लिखा है 1, और इसमें हम बता रहे हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ ऑसवर्ल्ड है ये कब हुई थी। ये हमारा सब सब पॉइंट है। यहाँ देखिए लिखा है क्रिएटेड इन 1927 बाय डिज्नी, यानी कि ये 1927 के अंदर डिज्नी के द्वारा क्रिएट किया गया। और आगे लिखा है यहाँ पे, उसके बाद हम एक और सब सब पॉइंट बना रहे हैं, यानी किसके लिए बनाया गया ये, लिखा है फॉर यूनिवर्सल स्टूडियो। और अब हम अपना दूसरा सब पॉइंट बनाने वाले हैं, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ से हम दूसरा सब पॉइंट बना रहे हैं, और सब पॉइंट में लिखा है यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ मिकी, और यानी कि जो मिकी है मिकी का आविष्कार कैसे हुआ। यहाँ पे हमारा 20 सब पॉइंट है और सबका हम सब सब पॉइंट बना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं रोमन काउंटिंग में 1 क्रिएटेड बाय डिज्नी फ्रॉम ऑसवर्ल्ड, यानी कि जो ये जो मिकी है ये ऑसवर्ल्ड से ही बना, और किसने बनाया ये, यानी कि डिज्नी ने बनाया। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा है इन कोलैबोरेशन विद आईवर्क्स। फ्रेंड्स अब देखिए हमारा ये सेकंड पैराग्राफ, और अब हम सेकंड पैराग्राफ में सेकंड मेन हेडिंग बनाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये दो शॉर्ट्स की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट टू मिकी माउस शॉर्ट्स। फ्रेंड्स और उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सब पॉइंट। सब पॉइंट में हमने लिखा प्लेन क्रेजी, हम प्लेन क्रेजी के अंदर हम सब सब पॉइंट बनाने वाले हैं, और जिसमें लिखा गया है स्क्रीन ऑन 15 मई 1928, यानी कि जो प्लेन क्रेजी है वो 15 मई 1928 को स्क्रीन की गई थी। फिर हमने लिखा है हमारा सब पॉइंट बी, बी में लिखा है गैलोपिन गाशो, और जो गैलोपिन गाशो है इसके अंदर हमने लिखा है सब सब पॉइंट में नो डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला था, और यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर को शॉर्ट में लिखा है DSBR नो डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारी सेकंड एब्रीवेटेड फॉर्म हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा है सी, सी हमारा है सब पॉइंट, और सब पॉइंट में हमने लिखा है स्टीम बोट विले, और स्टीम बोट विले ये हमारा सब पॉइंट हो गया, और सब पॉइंट के बाद हमें बनाना है सब सब पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखिए रोमन काउंटिंग में हमने लिखा है 1, 2, 3, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्क्रीन ऑन 18 नवंबर 1928, ये जो स्टीम बोट विले है ये 18 नवंबर 1928 को स्क्रीन हुई थी। और उसके बाद लिखा है नंबर 2, इसमें लिखा विद सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक के साथ ये स्क्रीन हुई। देखिए यहाँ लिखा है मिकी द फर्स्ट नॉन ह्यूमन ऑस्कर विनर, तो मिकी के लिए हमने एक एब्रिविएटेड फॉर्म बनाई है MKY, यहाँ पे हमने विनर के लिए भी बनाई है WNR, तो हमें दो एब्रिविएटेड फॉर्म्स और मिलती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जो ये नोट मेकिंग तैयार होती है।
फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के बाद आपको एब्रीविएशंस लिखनी है। जो भी आपने एब्रीविएशंस बनाई थी वो सभी एब्रीविएशंस आपको लिखनी है। तो आप सबसे पहले लिखिए की टू एब्रीविएशंस, उसके बाद जो भी आपने एब्रीविएशंस बनाई थी या एब्रीविएटेड फॉर्म्स जो आपने बनाई थी उन सबको लिखें और उनके सामने उनका फुल फॉर्म भी लिखें, जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। अगर हम बात करें नोट मेकिंग की तो टाइटल का आपको 1 मार्क मिलेगा, और हम बात करें एब्रीविएशन की जिसमें आपको 4 एब्रीविएशंस लिखनी होंगी उसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। नोट्स के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। फ्रेंड्स, समरी की बात करें तो समरी में आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स भी डिवाइडेड हैं। आपको कंटेंट के मिलेंगे 2 मार्क्स, यानी कि जो आपने लिखा है उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, और एक्सप्रेशन के यानी कि आपने अपनी समरी को यानी कि अपने थॉट्स को किस तरीके से अरेंज किया है उसके मिलेंगे आपको 1 मार्क। फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वो है समरी लिखना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको समरी लिखने के लिए कहा जाता है तो वे जो पैसेज होता है उस पैसेज का जो बहुत सारा पोर्शन वो उठा लेते हैं और उसको वो लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलत होगा, ये तरीका सही नहीं है। और एक बात और ध्यान रखें, जो आपको पैसेज मिलता है आपको उसका 1/3 लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 90 वर्ड्स का एक पैसेज है तो आपको केवल उसे 30 वर्ड्स में ही लिखना होगा। और उसका जो बेस्ट तरीका वो ये है कि जो अब तक आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जिसके आपने नोट्स बनाए हैं, तो बेटर होगा कि आप उन करें अब उन्हीं नोट्स को आप सेंटेंसेस में फॉर्म करें और इस तरीके से आप जो समरी है वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है मिकी एंड डिज्नी वॉल्ट आर द 2 नेम्स नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो हमारा टाइटल है मिकी माउस एंड डिज्नी, तो ये सेंटेंस मैंने वहाँ से बनाया है उसके टाइटल को देख के। तो लिखा है जो मिकी और जो डिज्नी है वो ऐसे नाम है जो अक्रॉस द वर्ल्ड जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे लिखा है ऑसवाल्ड द लकी रैबिट वाज द फर्स्ट कार्टून कैरेक्टर इंट्रोड्यूस बाय वॉल्ट डिज्नी फॉर यूनिवर्सल स्टूडियो इन 1927। इसका मतलब ये है कि जो ऑसवाल्ड द लकी रैबिट जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट कार्टून कैरेक्टर था और जो कि वॉल्ट डिज्नी ने इंट्रोड्यूस किया किसके लिए, यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए इन 1927। फिर आगे लिखा है बट आफ्टर अ डिस्प्यूट डिज्नी वॉल्ट क्रिएटेड अ न्यू कैरेक्टर, लेकिन डिस्प्यूट के बाद डिज्नी ने एक और कैरेक्टर क्रिएट किया जिसे हमने क्या कहा मिकी माउस। और फ्रेंड्स, वो जो कैरेक्टर क्रिएट किया वो कैसे किया, कीपिंग द ऑसवाल्ड लकी रैबिट इन माइंड। उन्होंने वो जो कैरेक्टर क्रिएट किया वो उन्होंने ऑसवाल्ड द लकी रैबिट था उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया। आगे लिखा है फ्रेंड्स देन डिज्नी मेड द फर्स्ट 2 मिकी माउस शॉर्ट्स। फिर जो डिज्नी है डिज्नी ने पहली 2 मिकी माउस शॉर्ट्स बनाई यानी फिल्म बनाई, उनके नाम क्या थे, प्लेन क्रेजी दैट गॉट स्क्रीन ऑन 15 मई 1928। इनकी प्लेन क्रेजी जो कि 15 मई 1928 को वो स्क्रीन हुई। और आगे लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली द गैलोपिन गाशो गॉट नो डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन जो गैलोपिन जो गाशो थी उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। फिर आगे लिखा है ऑन 18 नवंबर 1928 स्टीम बोट विले हिट द स्क्रीन विद सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक एंड मिकी माउस बिकेम द फर्स्ट नॉन ह्यूमन ऑस्कर विनर। और 18 नवंबर 1928 को जो स्टीम बोट विले है वो स्क्रीन पर लगी और किसके साथ, एक सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक और एक अलग इफेक्ट के साथ फ्रेंड्स, और जो मिकी है वो पहला नॉन ह्यूमन ऑस्कर विनर बना। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी समरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक नोट मेकिंग, और जल्द ही मिलूंगा मैं एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी एंड डू समथिंग फॉर द कॉमन गुड।